हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है क्लेन गॉर्डन इक्वेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, इट कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्केलर पोटेंशियल फाई से जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस डेल फाई। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्केलर पोटेंशियल के ग्रेडियंट से ऑब्टेन कर सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्केलर पोटेंशियल फाई होगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर का जनरेटर होगा। इसी तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, डेल क्रॉस ए वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर ए वेक्टर जो है वो वेक्टर पोटेंशियल होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा वेक्टर पोटेंशियल है ए वेक्टर, वो मैग्नेटिक फील्ड का जनरेटर होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा उसे हम स्केलर पोटेंशियल फाई एंड वेक्टर पोटेंशियल ए वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि फाई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेटर है और जो हमारा वेक्टर पोटेंशियल है ए वेक्टर, वो मैग्नेटिक फील्ड का जनरेटर है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को मिला के बना होता है। तो अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल का मोशन कंसिडर करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, और उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज होगा ई और मास होगा एम, तो उसका मोमेंटम और एनर्जी कितनी होगी उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, वो हमें लिखना होगा यहाँ पर। तो अगर हमारे पास इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मीन्स इन नॉन रिलेटिविस्टिक केस, अगर पार्टिकल का मोमेंटम पी वेक्टर है और एनर्जी ई है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में उसी सेम चार्ज पार्टिकल का मोमेंटम कितना होगा, जो हमारा उस चार्ज पार्टिकल का मोमेंटम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, उसे हम पी प्राइम वेक्टर से डिनोट करेंगे, और वो होगा हमारे पास पी वेक्टर माइनस ई ए वेक्टर बाय सी। और जो हमारी एनर्जी होगी पार्टिकल की इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम ई प्राइम से डिनोट करेंगे, वो होगी हमारे पास ई माइनस ई फाई। तो वेक्टर पोटेंशियल एंड स्केलर पोटेंशियल की प्रेजेंस की वजह से जो हमारा मोमेंटम और एनर्जी होगा पार्टिकल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, वो कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जहां पर पी वेक्टर और ई जो हैं वो मोमेंटम एंड एनर्जी हैं सेम पार्टिकल के इन नॉन रिलेटिविस्टिक केस, मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे एनर्जी मोमेंटम के बीच का रिलेटिविस्टिक रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप यूज़ करते हुए हम क्लेन गॉर्डन इक्वेशन डराइव करेंगे इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर ये टॉपिक आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैन बी यूनिकली रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर पोटेंशियल ए वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल फाई। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को हम वेक्टर पोटेंशियल ए वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल फाई के टर्म्स में यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस डेल फाई, मीन्स फाई जो हमारा स्केलर पोटेंशियल है वो जनरेटर है इलेक्ट्रिक फील्ड का। और बी वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हैं कर्ल ऑफ ए वेक्टर, मीन्स जो हमारा वेक्टर पोटेंशियल है ए वेक्टर, वो मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर का जनरेटर है। कंसिडर द मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल हैविंग रेस्ट मास एम कैरिंग चार्ज ई इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, देन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एस। तो हम यहाँ पर क्या कंसिडर करेंगे, एक चार्ज पार्टिकल लेंगे जिसका रेस्ट मास हम यहाँ पर एम लेंगे, और उस चार्ज पार्टिकल पर चार्ज होगा ई, उसका मोशन कंसिडर किया जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो इस केस में जो मोमेंटम होगा पार्टिकल का, उसे हम डिनोट करेंगे पी प्राइम वेक्टर से, और वो होगा हमारे पास पी वेक्टर माइनस ई ए वेक्टर बाय सी। और जो एनर्जी होगी पार्टिकल की, जिसको हम ई प्राइम से शो करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू ई माइनस ई फाई, जहां पर पी वेक्टर एंड ई जो हैं वो होंगे मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ द सेम पार्टिकल इन नॉन रिलेटिविस्टिक केस, वेयर पी वेक्टर एंड ई बी द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ द सेम पार्टिकल इन नॉन रिलेटिविस्टिक केस। अब हमें रिलेटिविस्टिक रिलेशनशिप पता है मोमेंटम एंड एनर्जी के बीच में, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है, द रिलेटिविस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड एनर्जी इज गिवन एज
जो रिलेटिविस्टिक रिलेशनशिप होता है मोमेंटम एनर्जी के बीच में वो कुछ इस प्रकार से होता है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4। तो पी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर वेक्टर लगेगा, और हमें यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात करनी है तो हमें मोमेंटम को पी प्राइम से डिनोट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप पी प्राइम स्क्वायर वेक्टर लिखेंगे, और एनर्जी को हमने यहाँ पर ई प्राइम लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ई प्राइम स्क्वायर। हमें ई प्राइम और पी प्राइम की वैल्यूज पता है फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में, तो अब हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में इनको यूज करेंगे, यूजिंग 1 and 2 इन 3 वी गेट। तो E प्राइम की जगह आप लिख देंगे यहां पर E माइनस E5, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, दैट विल बी इक्वल टू P प्राइम स्क्वायर। P प्राइम वेक्टर की वैल्यू हमें पता है जो कि हमारे पास P वेक्टर माइनस EA वेक्टर बाय C, और ऊपर स्क्वायर है तो यहां पर आप स्क्वायर लगा देंगे, साथ में C स्क्वायर है और साथ में प्लस में है M स्क्वायर C की पावर 4। तो स्टूडेंट्स इसी इक्वेशन को आगे सिंप्लीफाई करते हुए बाकी के स्टेप्स हम प्रोसीड करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में इस ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर सी, तो सी एलसीएम आ गया, सी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा सी पी वैक्टर माइनस ई ए वैक्टर, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, यहाँ पर सी स्क्वायर आएगा प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4। लेफ्ट हैंड साइड आपकी ऐसे ही रहेगी, अब आप क्या करेंगे, ऊपर का स्क्वायर अलग कर देंगे, सी का स्क्वायर अलग कर देंगे, तो आपको मिलेगा सी पी वैक्टर माइनस ई ए वैक्टर का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा तो आपके पास रह जाएगा ई माइनस ई फाइव का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी पी वैक्टर माइनस ई ए वैक्टर का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में एनर्जी ऑपरेटर एंड मोमेंटम ऑपरेटर को कैसे हम डिनोट करते हैं, वही चीज हम यहां पर यूज करेंगे। वी नो दैट इन क्वांटम मैकेनिक्स एनर्जी एंड मोमेंटम ऑपरेटर्स आर गिवन एज, क्वांटम मैकेनिक्स में जो एनर्जी ऑपरेटर होता है वो होता है हमारे पास आइटा एच कट बाय कर्ली बाय कर्ली टी, और जो मोमेंटम ऑपरेटर होता है पी वेक्टर वो होता है हमारे पास माइनस आइटा एच कट डेल। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी इन दोनों को मिला के। तो अब हम क्या करेंगे, इस फिफ्थ इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन में यूज़ करेंगे, मींस ई की जगह हम लिखेंगे आइटा एच कट कर्ली बाय कर्ली टी, और इस पी वेक्टर की जगह हम लिखेंगे माइनस आइटा एच कट डेल्टा। तो आपको क्या मिलेगा, यूजिंग 5 in 4 वी गेट ई की जगह हम लिख देंगे आइटा एच कट कर्ली बाय कर्ली टी माइनस ई फाइव का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ऐसे ही रहेगा। पी वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास माइनस आइटा एच कट डेल्टा, उसके बाद है माइनस ई ए वेक्टर ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर आएगा प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4। तो ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास आइटा एच कट कर्ली बाय कर्ली टी माइनस ई फाइव का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस आइटा सी एच कट डेल्टा माइनस ई ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4। तो अगर हम यहाँ पर दोनों तरफ साई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगी क्लेन गॉर्डन इक्वेशन। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय साई वी गेट क्लेन गॉर्डन इक्वेशन एस। तो लेफ्ट हैंड साइड को भी साई से मल्टीप्लाई करो और राइट हैंड साइड में दो टर्म्स हैं इन दोनों को साई से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा आइटा एच कट कर्ली बाय कर्ली टी माइनस ई फाइव का होल स्क्वायर, साथ में साई इज इक्वल टू इस ब्रैकेट को हम साई से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके साथ भी हम साई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4 साई। ये हमारी सिक्स इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स सिक्स इक्वेशन को ही आगे कंटिन्यू करते हुए आगे के डेरिवेशन प्रोसीड करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम सिक्स इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। देखिए सिक्स इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में भी एक स्क्वायर है और इसके राइट हैंड साइड में भी एक स्क्वायर वाली टर्म है, तो इन टर्म्स को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। पहले हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे और फिर हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे, जो इनकी वैल्यूज आएंगी वो हम सिक्स इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं सिक्स इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास आइटा एच कट कर्ली बाय कर्ली टी माइनस ई फाई का होल स्क्वायर साई। तो अब हम यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे। देखिए एलजेब्रा में मैथमेटिक्स में जो हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, बट हम यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर ऑपरेटर्स इन्वॉल्व हैं, कर्ली बाय कर्ली टी एक ऑपरेटर है, इसी तरह से जो हमारी राइट हैंड साइड है वहां पर भी एक डेल ऑपरेटर है, तो अब हम यहां पर ये आइडेंटिटी यूज नहीं करेंगे। हम इसके बजाय यूज करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए प्लस बी स्क्वायर। ऑपरेटर के केस में आपको इस तरह से एक्सपेंड करना होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी हम यहां पर यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये हमारा ए है
और ये हमारा बी है। तो आप पहले क्या है हमारे पास ए स्क्वायर, तो आप लिखेंगे आई टा एच कट बाई करली बाई करली बाई करली टी का होल स्क्वायर। उसके बाद है ए डॉट बी, माइनस का है तो माइनस आएगा, ए डॉट बी करेंगे आई टा एच कट करली बाई करली टी डॉट ई फाई आ जाएगा। उसके बाद है आपके पास बी डॉट ए, बी है हमारे पास ई फाई और ए है हमारे पास आई टा एच कट करली बाई करली टी प्लस बी स्क्वायर, बी है हमारे पास ई फाई ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और साथ में साई से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपको मिलेगा आईटा स्क्वायर एच कट स्क्वायर करली स्क्वायर बाय करली टी स्क्वायर, इन तीनों का अलग अलग स्क्वायर कर दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, ई जो है वो कांस्टेंट है, इसे आईटा एच कट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा माइनस आईटा एच कट ई और ये आ जाएगा करली फाई बाय करली टी। उसके बाद माइनस ई फाई आईटा एच कट करली बाय करली टी एज इट इज, उसके बाद ई फाई का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास ई स्क्वायर फाई स्क्वायर। अब आप साई को इन चारों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा आईटा स्क्वायर होता है हमारे पास माइनस वन, तो ये बन जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर। साई को आपने इस टर्म से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया करली स्क्वायर साई बाय करली टी स्क्वायर माइनस आईटा एच कट ई करली बाय करली टी। फाई जो है वो साई से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा फाई साई माइनस ई फाई आईटा एच कट ऐसे ही रहेगा और करली बाय करली टी को हम साई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा करली साई बाय करली टी प्लस ई स्क्वायर फाई स्क्वायर को भी साई से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है करली बाय करली टी ऑफ फाई साई, तो अब हम यहाँ पे यू इंटू वी रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन का, तो आपको मिलेगा माइनस एच कट स्क्वायर करली स्क्वायर साई बाय करली टी स्क्वायर ऐसे देगा माइनस आई टा एच कट ई को आप बाहर रख लीजिए। यहाँ पर आप यू वी रूल लगाइए, पहले हमने फाई को छोड़ा, साई का पार्शियल डिफरेंशिएशन किया टी के रिस्पेक्ट में तो ये आ गया करली साई बाय करली टी प्लस, अब साई को छोड़ा फाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन करा टी के रिस्पेक्ट में तो आपको मिल गया करली फाई बाय करली टी ब्रैकेट क्लोज, ये टर्म ऐसे ही रहेगी, ये टर्म ऐसे ही रहेगी। अब आप क्या करेंगे, माइनस आई टा एच कट ई को इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस एच कट स्क्वायर करली स्क्वायर साई बाय करली टी स्क्वायर, ये ऐसे उतार दिया माइनस आई टा एच कट ई फाई करली साई बाय करली टी को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये मिला प्लस माइनस माइनस हो गया आई टा एच कट ई साई करली फाई बाय करली टी हो गया, ये टर्म ऐसे ही, ये टर्म ऐसे ही। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए आईटा एच कट ई फाई करली साई बाय करली टी है, यहाँ पर भी हमारे पास सेम टर्म है ई फाई आईटा एच कट करली साई बाय करली टी, तो ये दोनों टर्म्स जो हैं बिल्कुल सेम हैं, दोनों का साइन माइनस का है तो ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी। तो ऐड होकर हमारे पास मिलेगा आपको फर्स्ट टर्म ऐसी रहेगी माइनस एच कट स्क्वायर करली स्क्वायर साई बाय करली टी स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करके मिलेगा आपको माइनस टू आईटा एच कट ई फाई करली साई बाय करली टी, इन दोनों को ऐड कर दिया माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस टू आ गया। यहाँ पर ये टर्म ऐसी रहेगी माइनस आईटा एच कट ई साई करली फाई बाय करली टी प्लस ई स्क्वायर फाई स्क्वायर साई जो है वो ऐसे रहेगा, ये हमारी सेवंथ इक्वेशन होगी। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम चलती आ रही है, तो सिक्स्थ इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व करके ये फाइंड आउट कर लिया है सेवंथ इक्वेशन में। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करके देखेंगे हमारे पास क्या मिलेगा नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने सिक्स्थ इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट स्क्वायर वाले टर्म को सॉल्व कर लिया था जिसे हमने सेवंथ इक्वेशन दिया था। अब हम सॉल्व करेंगे सिक्स्थ इक्वेशन की राइट हैंड साइड में प्रेजेंट इस स्क्वायर वाले टर्म को, तो इसे हम अलग से लिख लेंगे। तो आप लिखेंगे माइनस आईटा सी एच कट डेल माइनस ई ए वैक्टर का होल स्क्वायर साई, इसे हमने सॉल्व करना है। तो अगर हम यहाँ से और यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें तो ऊपर स्क्वायर है तो माइनस वन का स्क्वायर बन के आएगा बाहर, तो ये टर्म भी प्लस की हो जाएगी, ये टर्म भी प्लस की हो जाएगी। तो अब हमें यहाँ पर बेसिकली ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ करना है, वैसे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, बट यहां पर क्योंकि वेक्टर वाले टर्म्स इन्वॉल्व हैं, डेल एक वेक्टर इन ऑपरेटर है, ए वेक्टर यहाँ पर वेक्टर पोटेंशियल है, तो हम यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी ना यूज़ करके हम ये यूज़ करेंगे ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी स्क्वायर। तो आइए यूज़ करते हैं, तो हमारा ए ये है बी ये है, तो ए है हमारे पास आईटा सी एच का डेल ऊपर स्क्वायर है, ये दोनों टर्म्स प्लस के बन चुकी हैं क्योंकि माइनस वन का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है और साथ में है प्लस, उसके बाद है हमारे पास ए डॉट बी, ए है हमारे पास आईटा सी एच का डेल्टा आईटा सी एच का डेल्टा और साथ में है बी ए ई ए वैक्टर ई ए वैक्टर, डॉट लगाना यहाँ पर जरूरी है क्योंकि डेल भी एक वैक्टर ऑपरेटर है और ए भी एक वैक्टर है, तो दोनों जहाँ पर भी साथ साथ होंगे चाहे कोई भी आगे पीछे हो वहाँ पर डॉट जरूर आएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमारे पास प्लस बी डॉट ए, बी है हमारे पास ई ए वैक्टर डॉट हमारे पास आईटा सी एच का डेल प्लस बी का स्क्वायर मीन्स ई ए वैक्टर का स्क्वायर आ जाएगा। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम चलती जाएगी, माइनस वन का स्क्वायर प्लस हो गया, उसके बाद आईटा स्क्वायर सी स्क्वायर एच का स्क्वायर डेल स्क्वायर प्लस, उसके बाद आप क्या करेंगे इस ई को बाहर ले लेंगे क्योंकि ई कॉन्स्टेंट है, तो आपको मिलेगा आईटा सी एच कट डेल डॉट ए वैक्टर प्लस
ई आईटा सी एच कट कॉन्स्टेंट क्वान्टिटीज को हम बाहर ले लेंगे, तो आप सिंपली लिखेंगे ए वैक्टर डॉट डेल प्लस ई स्क्वेयर, उसके बाद आएगा ए वेक्टर का स्क्वेयर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, बाहर साई भी है, बाहर साई भी है, तो आपने साई को सबको सबसे मल्टीप्लाई कर देना है, इस साई को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मिलेगा आइटा स्क्वेयर होता है माइनस वन, तो ये बन जाएगा माइनस सी स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर डेल स्क्वेयर साई हो गया प्लस आइटा सी एच कट ई डेल डॉट ए वैक्टर साई हो गया, यहाँ पर साई यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया प्लस ई आइटा सी एच कट ए वैक्टर डॉट डेल साई से मल्टीप्लाई हो गया प्लस ई स्क्वेयर ए स्क्वायर साई हो गया। ए वेक्टर स्क्वायर को हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ए वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर ऑलवेज रिप्रेजेंट स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, ए यहाँ पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान से देखिए इस टर्म को, यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर है हमारे पास डेल डॉट ए वेक्टर साई, तो अब हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो वो आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पर हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी, तो आइडेंटिटी हमारे पास क्या होगी, इसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, इसे हम यूवी रूल लगाकर एक्सपेंड करेंगे। हम साई को पहले ऐसे छोड़ दिया, डेल डॉट ए वेक्टर किया, फिर हमने ए वेक्टर को ऐसे छोड़ दिया, फिर हमने डेल साई कर दिया, ए वेक्टर और डेल जहाँ पर भी होंगे आगे पीछे तो उनके बीच में डॉट लगाना जरूरी है, तो हमने यहाँ पर भी डॉट लगाया है और यहाँ पर भी डॉट लगाया है, तो ये टर्म जो है वो एक्सपेंड होकर आपको ये दो टर्म्स देगी, ये टर्म ऐसी रहेगी, ये टर्म ऐसी रहेगी, ये वाली टर्म ऐसी रहेगी। अब आप क्या करेंगे, आइटा सी एच कट ई को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मिलेगा आइटा सी एच कट ई साई डेल डॉट ए वैक्टर प्लस आइटा सी एच कट ई साथ में ए वैक्टर डॉट डेल साई, ये टर्म ऐसी रहेगी, ये टर्म ऐसी रहेगी और ये टर्म भी ऐसी ही रहेगी हमारे पास, और ये टर्म ऐसी ही है। उसके बाद ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, तो ये ऐड हो जाएंगी, तो ये प्लस प्लस हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये टर्म ऐसी रहेगी, ये टर्म ऐसी रहेगी, और इन दोनों को ऐड करके हमारे पास बनेगा टू आइटा सी एच कट ई ए वेक्टर डॉट डेल साई, ये दोनों ऐड होकर टू बन जाएंगी प्लस ई स्क्वायर ए स्क्वायर साई ऐसी रहेगा लास्ट में, ये हमारी एट्थ इक्वेशन होगी। तो सिक्स्थ इक्वेशन की राइट हैंड साइड में जो स्क्वायर वेल टर्म प्रेजेंट थी उसकी वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली है एट्थ इक्वेशन में। अब सेवन्थ इक्वेशन में जो इसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी और एट्थ इक्वेशन में जो इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है, उन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और आगे का पार्ट प्रोसीड करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शंस में हमने सिक्स इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर वाली टर्म है उसे सॉल्व कर लिया था और उसकी वैल्यू हमने सेवन्थ इक्वेशन में फाइंड आउट कर ली थी, और सिक्स इक्वेशन की राइट हैंड साइड में जो स्क्वायर वाली टर्म है उसे सॉल्व किया था हमने लास्ट सेक्शन में और इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी कुछ इस तरह से एट्थ इक्वेशन में। तो अब हम इन दोनों स्क्वायर वाली टर्म्स की जगह इनकी वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आप लिखेंगे यूजिंग सेवन एंड एट इन सिक्स वी गेट, इसकी जगह हम पुट करेंगे ये पूरी की पूरी टर्म जो कि है माइनस एच कट स्क्वायर कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली टी स्क्वायर माइनस टू आइटा एच कट ई फाई कर्ली साई बाय कर्ली टी माइनस आइटा एच कट ई साई कर्ली फाई बाय कर्ली टी प्लस ई स्क्वायर फाई स्क्वायर साई। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमने ये पुट कर दिया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में इसकी जगह हम पुट करेंगे ये पूरी की पूरी ब्रैकेटेड टर्म जो कि हमारे पास माइनस सी स्क्वायर एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर साई प्लस आइटा सी एच कट ई साई डेल डॉट ए वेक्टर प्लस टू आइटा सी एच कट ई ए वेक्टर डॉट डेल साई प्लस ई स्क्वायर ए स्क्वायर साई, और साथ में हमारे पास सिक्स इक्वेशन के राइट हैंड साइड में ये वाली टर्म भी है, तो ये वाली टर्म भी हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस एम स्क्वायर सी की पावर फोर साई। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स हैं वहाँ से साई जो है वो कॉमन ले लेना है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो ऐसी रहेगी, राइट हैंड साइड में साई कॉमन लेने के बाद आपको मिलेगा माइनस सी स्क्वायर एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर, ये साई बाहर चला जाएगा यहाँ पर प्लस आइटा सी एच कट ई डेल डॉट ए वेक्टर साई जो है वो बाहर चला गया, उसके बाद यहाँ पर बचेगा प्लस टू आइटा सी एच कट ई ए वेक्टर डॉट डेल, ये साई जो है वो बाहर चला गया, उसके बाद ई स्क्वायर ए स्क्वायर ये साई बाहर चला गया प्लस एम स्क्वायर सी की पावर फोर ये साई जो है वो बाहर चला गया। तो स्टूडेंट्स ये होगी हमारे पास नाइन्थ इक्वेशन, तो नाइन्थ इक्वेशन के आगे का पार्ट हम प्रोसीड करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इक्वेशन नंबर 9 तक पहुंच चुके थे, इक्वेशन नंबर 9 को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको यहां पर एक सब्स्टिट्यूशन करनी होगी, यहां पर जो वेव फंक्शन है साई इसे आपको कुछ लेट करना पड़ेगा और वो हम कैसे करेंगे, लेट साई आर वेक्टर कॉमा टी इज इक्वल टू साई प्राइम आर वेक्टर कॉमा टी ई की पावर माइनस आटा एम सी स्क्वायर टी बाय एच कट, जो वेव फंक्शन होता है वो पोजिशन वैक्टर आर वैक्टर एंड टाइम टी का फंक्शन होता है। सिंप्लिसिटी के लिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं लेट
साइज इक्वल टू साई प्राइम ई की पावर माइनस आईटा एम सी स्क्वायर टी बाई एच कट। तो आपको यहाँ पर क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए कर्ली साई बाय कर्ली टी, वो आपको कैसे मिलेगा, दोनों तरफ टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करके मिलेगा। तो आपको चाहिए कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली टी स्क्वायर, वो आपको कैसे मिलेगा, जो आपको कर्ली साई बाय कर्ली टी की वैल्यू मिलेगी उसका अगर आप एक और बार टाइम डिफ्रेंशिएशन कर दोगे पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, तो आपको कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली टी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब वो वैल्यूज मिल जाएंगी हमें कर्ली साई बाय कर्ली टी की, कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली टी स्क्वायर की, तो वैल्यूज हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो हमारे पास है इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना होगा टी के रिस्पेक्ट में। तो आप लिखेंगे कर्ली साई बाय कर्ली टी इज इक्वल टू कर्ली बाय कर्ली टी ऑफ दिस होल टर्म। तो साई प्राइम भी टी का फंक्शन है और ये जो ई की पावर में है ये भी टी का फंक्शन है, तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करना होगा। तो हम क्या करेंगे, साई प्राइम को ऐसे ही छोड़ देंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर ए टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, ई की पावर ए टी डॉट ए। तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, पहले ई की पावर माइनस आई टाइम सी स्क्वायर टी बाई एच कट ऐसे ही आ जाएगा, फिर जो पावर में है इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस आईटा एम सी स्क्वायर बाई एच कट, टी का पार्शियल डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में वन हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को ऐसे छोड़ देंगे, ई की पावर माइनस आईटा एम सी स्क्वायर टी बाई एच कट, इस साई प्राइम का डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, कर्ली साई प्राइम बाई कर्ली टी हो जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये और ये कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेके आपको मिलेगा e की पावर माइनस आईटा एम सी स्क्वायर टी बाई एच कट, अंदर आ जाएगा आपके पास माइनस आईटा एम सी स्क्वायर बाई एच कट, और यहाँ पर है हमारे पास साई प्राइम प्लस कर्ली साई प्राइम बाई कर्ली टी। तो ये हमारे पास कर्ली साई बाई कर्ली टी की वैल्यू आ चुकी है। तो इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 10, इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 10, इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 11। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली टी स्क्वायर की वैल्यू, वो आपको कैसे मिलेगी जब आप 11th इक्वेशन को दोनों तरफ टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली टी स्क्वायर, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा, इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल टर्म विद रिस्पेक्ट टू टी कर्ली बाय कर्ली टी ऑफ दिस टर्म। तो अगेन यहाँ पर हमें यू इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा, ये हमारा यू होगा और ये वाली जो ब्रैकेटेड टर्म है ये हमारी वी होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले यू को छोड़ देते हैं, ऐसी e की पावर माइनस आईटा एम सी स्क्वायर बाई एच कट को हमने ऐसे छोड़ दिया, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो आपको मिलेगा माइनस आईटा एम सी स्क्वायर बाई एच कट कॉन्स्टेंट है, साई प्राइम का पार्शियल डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा कर्ली साई प्राइम बाई कर्ली टी, प्लस कर्ली साई प्राइम बाई कर्ली टी का पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में कर्ली स्क्वायर साई प्राइम बाई कर्ली टी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो इसे हम ऐसे छोड़ रहे हैं, प्लस आईटा एम सी स्क्वायर बाई एच कट साई प्राइम प्लस कर्ली साई प्राइम बाय कर्ली टी, और इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा टी के रिस्पेक्ट में, ई की पावर माइनस आईटा एम सी स्क्वायर टी बाय एच कट ऐसे ही आ जाएगा, टी का पार्शियल डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा और सातवें टर्म मल्टीप्लाई में आ जाएगी, माइनस आईटा एम सी स्क्वायर बाय एच कट यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ गया। तो इसे अभी और सिंप्लीफाई करना बाकी है, वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हम कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली टी स्क्वायर को यहाँ तक फाइंड आउट कर चुके थे, अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ई की पावर माइनस आईटा एम सी स्क्वायर टी बाय एच कट यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने के बाद आपको मिलेगा कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली टी स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आईटा एम सी स्क्वायर टी बाय एच कट कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा हमारे पास माइनस आईटा एम सी स्क्वायर बाय एच कट कर्ली साई प्राइम बाय कर्ली टी प्लस कर्ली स्क्वायर साई प्राइम बाय कर्ली टी स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इस टर्म को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस टर्म को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस आईटा एम सी स्क्वायर बाय एच कट आईटा एम सी स्क्वायर बाय एच कट हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई होके आईटा एम सी स्क्वायर बाय एच कट का होल स्क्वायर, साथ में है साई प्राइम, और साथ में इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस आईटा एम सी स्क्वायर बाय एच कट, साथ में आपके पास कर्ली साई प्राइम बाय कर्ली टी। तो स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर खोलते हैं तो हमें मिलेगा ये टर्म ऐसी रहेगी, ये टर्म ऐसी रहेगी, ये टर्म ऐसी रहेगी, इसका स्क्वायर खोल के हमें मिलेगा आईटा स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर सी की पावर 4 क्योंकि सी स्क्वायर ऑलरेडी है बाय एच कट स्क्वायर साई प्राइम माइनस ये टर्म ऐसी रहेगी। तो आईटा स्क्वायर होता है हमारे पास माइनस 1 और ये चीज़ ध्यान से देखिए यहाँ पर है माइनस आईटा एम सी स्क्वायर बाय एच कट कर्ली साई प्राइम बाय कर्ली टी और यहाँ पर भी हमारे पास माइनस आईटा एम सी स्क्वायर बाय एच कट कर्ली साई प्राइम बाय कर्ली टी। तो ये दोनों टर्म सेम है, आइडेंटिकल हैं, दोनों का साइन माइनस का है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी। तो लास्ट स्टेप में आपको
मिलेगा कर्ली स्क्वायर साई प्राइम बाय कर्ली टी स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर में ये सेम रहेगा बाहर। पहले हम लिखेंगे कर्ली स्क्वायर साई प्राइम बाय कर्ली टी स्क्वायर, उसके बाद इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे जो कि बन जाएगा माइनस टू आई टा एम सी स्क्वायर बाय एच कट कर्ली साई प्राइम बाय कर्ली टी, और लास्ट में हम ये टर्म लिखेंगे आई टा स्क्वायर होता है माइनस वन, तो ये बन जाएगा माइनस एम स्क्वायर सी की पावर फोर बाय एच कट स्क्वायर साई प्राइम। ये हमारी ट्वेल्थ इक्वेशन होगी। तो कर्ली स्क्वायर साई प्राइम बाय कर्ली टी स्क्वायर की वैल्यू ट्वेल्थ इक्वेशन से उठा के हम यहाँ पर पुट करेंगे, कर्ली साई बाय कर्ली टी की वैल्यू इलेवंथ इक्वेशन से उठा के यहाँ पुट करेंगे, और साई जहाँ जहाँ लिखा है साई की वैल्यू हम टेंथ इक्वेशन से उठा के नाइन्थ इक्वेशन में डालेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शंस में हमने कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली टी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की थी इक्वेशन नंबर 12 में, कर्ली साई बाय कर्ली टी 11th इक्वेशन में हमने फाइंड आउट किया था, और साई की वैल्यू हमने 10th इक्वेशन में लिखी थी। तो उन सब की वैल्यू जो उठा के हम पुट करेंगे 9th इक्वेशन में, तो आप लिखेंगे यूजिंग 10 11 12 इन 9 वी गेट। तो सबसे पहले आप लिखेंगे माइनस एच कट स्क्वायर कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली टी स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 12th इक्वेशन में, जो कि कुछ इस प्रकार से थी ई की पावर माइनस आईटा एम सी स्क्वायर बाय टी एच कट कर्ली स्क्वायर साई प्राइम बाय कर्ली टी स्क्वायर माइनस टू आईटा एम सी स्क्वायर बाय एच कट कर्ली साई प्राइम बाय कर्ली टी माइनस एम स्क्वायर सी की पावर फोर साई प्राइम बाय एच कट स्क्वायर। तो हमने इसकी जगह ये ब्रैकेटेड टर्म पुट की है जो हमने 12th इक्वेशन में निकाली थी इसकी वैल्यू। उसके बाद हमारे पास माइनस टू आईटा एच कट ई फाई, उसके बाद कर्ली साई बाय कर्ली टी की वैल्यू हमने 11th इक्वेशन में फाइंड आउट की थी जो कि कुछ इस प्रकार से थी ई की पावर माइनस आईटा एम सी स्क्वायर टी बाय एच कट, और साथ में ब्रैकेट में था माइनस आईटा एम सी स्क्वायर बाय एच कट साई प्राइम बाय प्लस कर्ली साई प्राइम बाय कर्ली टी। तो इस कर्ली साई बाय कर्ली टी की जगह हमने ये स्क्वायर ब्रैकेटेड टर्म पुट की है। तो आइए आगे देखते हैं। उसके बाद है माइनस आईटा एच कट ई और साई की वैल्यू थी हमारे पास 10th इक्वेशन में साई प्राइम ई के बाद माइनस आईटा एम सी स्क्वायर टी बाय एच कट। तो इस साई की जगह हमने ये ब्रैकेटेड टर्म पुट की है, साथ में कर्ली फाई बाय कर्ली टी ऐसे ही रहेगा, साथ में हमारे पास प्लस ई स्क्वायर फाई स्क्वायर और साथ में साई है, साई की वैल्यू हमने 10th इक्वेशन में लिखी थी जो कि थी साई प्राइम ई की पावर माइनस आईटा एम सी स्क्वायर टी बाय एच कट। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई है, और राइट हैंड साइड में आपको सिर्फ साई की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेटेड टर्म है वो आप एज इट इज लिख देंगे, और इस साई की जगह आप लिख देंगे साई प्राइम ई की पावर माइनस आईटा एम सी स्क्वायर टी बाय एच कट जो कि हमने 10th इक्वेशन में लिखी। तो अब आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से e की पावर माइनस आईटा एम सी स्क्वायर टी बाय एच कट यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, हर एक टर्म में प्रेजेंट है, तो उसे आप कॉमन ले लीजिए। तो आप कॉमन लेने के बाद आपको मिलेगा e की पावर माइनस आईटा एम सी स्क्वायर बाय एच कट टी, अंदर रह जाएगा हमारे पास माइनस एच कट स्क्वायर को आप इससे और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए साथ साथ, तो आपको मिलेगा माइनस एच कट स्क्वायर कर्ली स्क्वायर साई प्राइम बाय कर्ली टी स्क्वायर। उसके बाद माइनस एच कट स्क्वायर को इससे करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो प्लस एच कट स्क्वायर टू आईटा एम सी स्क्वायर बाय एच कट कर्ली साई प्राइम बाय कर्ली टी आ गया। माइनस एच कट स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस एच कट स्क्वायर एम स्क्वायर सी की पावर फोर बाय एच कट स्क्वायर साई प्राइम। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो कॉमन चलेगा, ये टर्म कॉमन चलेगी, इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलेगा टू ऐसे ही आएगा, आईटा इन टू आईटा आईटा स्क्वायर हो गया, एच कट ऐसे ही रहेगा, ई फाई ऐसे ही रहेगा, एम सी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और नीचे एच कट है साथ में साई प्राइम है, इसको इससे करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस टू आईटा एच कट ई फाई ऐसे लिख दिया, साथ में लिख दिया कर्ली साई प्राइम बाय कर्ली टी लिख दिया यहाँ पर। जो हमारी तो ये वाली टर्म है इसमें आप क्या करेंगे, ये टर्म तो बाहर कॉमन चली गई है, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपली माइनस आईटा एच कट ई साई प्राइम कर्ली फाई बाय कर्ली टी रह गया, ये टर्म जो है वो कॉमन चली गई है बाहर, तो अंदर आ जाएगा हमारे पास ई स्क्वायर फाई स्क्वायर साई प्राइम। तो जो हमारी राइट हैंड साइड है उसकी जो ब्रैकेटेड टर्म है वो तो एज इट इज रहेगी, और ये बाहर वाली टर्म भी एज इट इज रहेगी, इसमें कोई भी आपको कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर आप इससे ये जो है वो कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ से एक एच कैंसिल हो जाएगा, एच कट स्क्वायर से एच कट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, कैंसिलिंग करने के बाद आपको क्या मिलेगा और इसके आगे के स्टेप्स हम फॉलो करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही थी, तो कैंसिलिंग करने के बाद फाइनली आपको मिलेगा माइनस एच कट स्क्वायर कर्ली स्क्वायर साई प्राइम बाय कर्ली टी स्क्वायर प्लस एक एच से एक एच कट गया था तो ऊपर आ जाएगा सिर्फ एच कट टू आईटा एम सी स्क्वायर कर्ली साई प्राइम बाय कर्ली टी प्लस एच कट स्क्वायर से एच कट स्क्वायर कट गया था तो यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ एम स्क्वायर सी की पावर फोर साई प्राइम प्लस एक एच कट से एक एच कट कट गया था तो रह जाएगा यहाँ पर आईटा स्क्वायर माइनस वन होता है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस टू ई फाई एम सी स्क्वायर साई प्राइम, और यहाँ पर सेम टर्म आएगी माइनस टू आईटा एच कट ई फाई कर्ली साई प्राइम बाय कर्ली टी। आइए आगे बढ़ते हैं, ये टर्म सेम आएगी माइनस आईटा एच कट ई साई
प्राइम करली फाइव बाई करली टी प्लस ई स्क्वायर फाइव स्क्वायर फाइव प्राइम आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास इधर हमारे पास क्या होगा, इधर आप पता क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक ब्रैकेट पुट कर सकते हैं, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दीजिए छोटी, इस पूरी छोटी ब्रैकेट के साथ साई प्राइम को मल्टीप्लाई कर दीजिए और एम स्क्वायर सी की पावर फोर साई प्राइम को अलग से साई प्राइम के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिलेगा यहाँ पर माइनस सी स्क्वायर एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर प्लस आयटा सी एच कट ई डेल डॉट ए वेक्टर प्लस टू आयटा सी एच कट ई ए वेक्टर डॉट डेल प्लस ई स्क्वायर ए स्क्वायर। साथ में हमारे पास यहाँ पर हमारे पास है यहाँ पर प्लस ई स्क्वायर ए स्क्वायर साथ में साई प्राइम से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और लास्ट में हमारे पास है एम स्क्वायर सी की पावर फोर साई प्राइम रह जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास ये टर्म जो है वो दोनों तरफ सेम हो जाएगी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो टर्म्स हमारे पास बची हैं, हर एक टर्म को आपने 2mc square से डिवाइड करना है, तो आप लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2mc square वी गेट, तो इसके नीचे 2mc square लिखेंगे तो आपको मिलेगा माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2mc square करली स्क्वायर साई प्राइम बाय करली टी स्क्वायर। इसके नीचे भी हमने 2mc square लिख दिया, इसके नीचे भी हमने, ये टर्म तो खत्म हो गई, इसके नीचे भी हमने 2mc square लिख दिया, और हमने क्या किया आगे, हमने यहाँ पर हैं हम, तो इसके नीचे भी 2mc square लिख दिया, इसके नीचे भी 2mc square लिख दिया, यहाँ पर इसके नीचे भी 2mc square लिख दिया, इसके नीचे भी 2mc स्क्वायर लिख दिया। इसी तरह से राइट हैंड साइड में जितनी टर्म्स हमारे पास बची हैं सबके नीचे आप 2mc स्क्वायर लिखेंगे, इसके नीचे 2mc स्क्वायर लिख दिया, इसके नीचे 2mc स्क्वायर लिख दिया, इसके नीचे 2mc स्क्वायर लिख दिया, और लास्ट में इसके नीचे 2mc स्क्वायर लिख दिया, और साथ में साई प्राइम ऐसे ही रहेगा। आइए अब देखते हैं कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही होंगी, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, m से m कैंसिल हो रहा है, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 गया, m से m गया, c स्क्वायर से c स्क्वायर गया, तो यहां पर हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमारे पास कुछ कैंसिलिंग नहीं होगी, यहाँ पर कुछ कैंसिलिंग नहीं होगी, यहाँ पर सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, तो उसे आप कैंसिल कर दीजिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप सी से सी कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर भी आप 2 से 2 और सी से सी जो है वो कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ कैंसिलिंग नहीं होगी और यहाँ पर साई प्राइम आएगा। तो स्टूडेंट्स, कैंसिलिंग करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, और थोड़े से स्टेप्स और रह गए हैं, वो प्रोसीड करेंगे हम आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हम इस स्टेप तक पहुंच चुके थे, कुछ टर्म्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो रही थी, तो कैंसिलिंग करने के बाद आपके पास बचेगा माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2mc स्क्वायर करली स्क्वायर साई प्राइम बाय करली टी स्क्वायर प्लस एच कट आयटा करली साई प्राइम बाय करली टी बचेगा यहाँ पर बचेगा माइनस ई फाई साई प्राइम, यहाँ पर बचेगा आपके पास माइनस आयटा एच कट ई फाई बाय एम सी स्क्वायर करली साई प्राइम बाय करली टी, यहाँ पर ये टर्म बिल्कुल सेम आएगी, ये टर्म बिल्कुल सेम आएगी। आइए आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू में आपके पास बचेगा माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा आपके पास आयटा एच कट ई डेल डॉट ए वैक्टर बाय 2mc प्लस यहाँ पर बचेगा आपके पास आयटा एच कट ई बाय एम सी ए वेक्टर डॉट डेल, और यहाँ पर आपकी ये टर्म सेम आएगी और साथ में साई प्राइम ऐसे ही आएगा। तो स्टूडेंट्स, एक दो लाइंस और रह गई हैं, वो हम ख़त्म करेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी रिलेटिविस्टिक केस में रेस्ट मास एनर्जी होगी पार्टिकल की, वो कितनी होगी, पार्टिकल का रेस्ट मास हमने स्टार्टिंग में m एज्यूम किया था, तो उसकी रेस्ट मास एनर्जी हो जाएगी एम सी स्क्वायर। ये जो रेस्ट मास एनर्जी है पार्टिकल की एम सी स्क्वायर, वो बहुत बहुत ज़्यादा होगी नॉन रिलेटिविस्टिक एनर्जी से, जिसे हम ई फाई से डिनोट करते हैं, क्योंकि जो सी की वैल्यू होती है वो होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिविस्टिक जो एनर्जी होगी हमारे चार्ज पार्टिकल की, वो नॉन रिलेटिविस्टिक केस से ज़्यादा होगी। तो मीन्स अगर एम सी स्क्वायर जो है वो बहुत बहुत बड़ा है ई फाई से, तो हमारा 1/mc स्क्वायर जो है वो जीरो को अप्रोच करेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, उन टर्म्स को नेगलेक्ट कर सकते हैं जो टर्म्स जो हैं 1/mc स्क्वायर कंटेन कर रही हैं। तो जिस भी टर्म में 1/mc स्क्वायर साथ में है, वो टर्म्स जो हैं वो जीरो हो जाएंगे, उन्हें हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो आप ये लाइंस यहाँ पर लिखेंगे, कीपिंग इन माइंड दैट रेस्ट मास एनर्जी mc स्क्वायर इज ग्रेटर देन ई फाई, दैट इज नॉन रिलेटिविस्टिक एनर्जी, सो वी कैन नेगलेक्ट द टर्म्स कंटेनिंग 1/mc स्क्वायर एज 1/mc स्क्वायर अप्रोचेज टू जीरो, क्योंकि mc स्क्वायर की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है नॉन रिलेटिविस्टिक एनर्जी से, तो 1/mc स्क्वायर को हम जीरो के बराबर मान सकते हैं। तो जहां जहां 1/mc स्क्वायर है वो टर्म्स जीरो हो जाएंगी, जैसे यहां पर 1/mc स्क्वायर है तो ये टर्म जीरो होगी, यहां पर नहीं है तो ये ऐसे ही आएगा एच कट आई करली साई प्राइम बाय करली टी, यहां पर नहीं है तो ये टर्म ऐसी आएगी माइनस ई फाई साई प्राइम, यहां पर 1/mc स्क्वायर है तो ये टर्म जीरो होगी माइनस जीरो, यहां पर 1/mc स्क्वायर है तो ये टर्म जीरो होगी माइनस जीरो, यहां पर 1/mc स्क्वायर है तो ये टर्म जीरो होगी प्लस जीरो इज इक्वल टू में, यहां पर नहीं है कुछ भी तो यहां पर आएगा माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल
एल स्क्वायर प्लस यहाँ पर एम सी स्क्वायर नहीं है, एम सी है, आपने सिर्फ वन अपॉन एम सी स्क्वायर वाले टर्म्स को नेगलेक्ट करना है, वन अपॉन एम सी वाले टर्म्स एज इट इज रहेंगी, प्लस आयटा एच कट ई डेल डॉट ए वैक्टर बाय टू एम सी, यहाँ पर भी वन अपॉन एम सी स्क्वायर नहीं है तो ये टर्म एज इट इज रहेगी, प्लस आयटा एच कट ई ए वैक्टर एम सी ए वैक्टर डॉट डेल, और यहाँ पर वन अपॉन एम सी स्क्वायर है तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, प्लस जीरो साई प्राइम। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनली क्या रह गया, हमारे पास रह गया एच कट आयटा। एक काम आप कर सकते हैं कि इस माइनस वाले टर्म को उधर भेज दीजिए इसी स्टेप में, तो ये माइनस ई फाई साई प्राइम जो है उधर जाके प्लस का ई फाई साई प्राइम हो जाएगा, और यहाँ से आप साई प्राइम कॉमन ले लेंगे। तो फाइनली जो आपके पास इक्वेशन आएगी वो आएगी एच कट आयटा, या इसको ऐसे लिखिए आयटा एच कट, आयटा एच कट कर ली साई प्राइम बाय कर ली टी, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस एच कट स्क्वायर बाय टू एम डेल स्क्वायर प्लस आयटा एच कट ई डेल डॉट ए वैक्टर बाय टू एम सी प्लस आयटा एच कट ई ए वैक्टर डॉट डेल बाय एम सी प्लस ई फाई, और यहाँ से साई प्राइम जो है वो हमने कॉमन ले लिया है। तो स्टूडेंट्स ये कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है सिंपली नॉन रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल ऑफ चार्ज ई जो कि ई एम फील्ड में मूव कर रहा होगा। तो जो हमारी क्लैनगॉर्डन इक्वेशन थी अगर हम उस पर अप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करें, जैसे हमने वहाँ पर वेव फंक्शन लिया था साई इज इक्वल टू साई प्राइम ई की पावर माइनस आइटा एम सी स्क्वेयर टी बाय एच कट, तो कुछ ऐसे ऐसे अप्रोक्सीमेशन अगर हम अप्लाई करें क्लैनगॉर्डन इक्वेशन में, तो क्लैनगॉर्डन इक्वेशन जो है वो नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट को में रिड्यूस हो जाती है। तो ये लाइंस आप यहां पर मेंशन करेंगे, दिस इज सिंपली नॉन रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल ऑफ चार्ज ई इन ईएम फील्ड। ये जो हमने इक्वेशन ऑब्टेन की है ये है हमारे पास नॉन रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन, किसके लिए, उस पार्टिकल के लिए जिस पर चार्ज ई होगा और जो ईएम फील्ड में मूव कर रहा होगा। दस क्लैनगॉर्डन इक्वेशन रिड्यूसेस टू करेक्ट नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट विद अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेशंस। तो क्लैनगॉर्डन इक्वेशन पर ये वाली अप्रोक्सीमेशन करके अप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करके हम क्लैनगॉर्डन इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट में भी। तो स्टूडेंट्स ये थी आपके पास क्लैनगॉर्डन इक्वेशन इन ईएम फील्ड। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।